रेड है पहले टिकट पड़ता है बताओ। हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है अनदर व्लॉग ऑफ एमएम इंदौरी के अंदर। तो आए आप लोग हमें ऐसा देख के सोच रहे होंगे कि कहाँ जा रहे हैं ऐसी खटारा बस के अंदर। तो आज हम लोगों का अचानक प्लान बना मॉर्निंग में गोवा जाने का। हम यहाँ से गोवा के लिए निकले तो हमने हमारे यहाँ से गोवा की डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, एक्चुअली वीकली चलती है। तो हमने सोचा कि पहले खंडवा से डायरेक्ट जो लोकल ट्रेन चलती है तो हम जाएंगे लोकल एक्सपीरियंस लेते हुए लोकल ट्रेन के अंदर। रिजर्वेशन नहीं था इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं खंडवा। और सुबह नींद में से उठे और हमारे दोस्त ने हमको फोन करा, ये जो पीछे खड़ा हुआ है, बोलता है कि कहाँ चलने का इच्छा है। मैंने मजाक में से रील भेजा तो मेरा चलो गोवा चलते हैं। तो अचानक प्लान बना गोवा का और आज हम जा रहे हैं लोकल डब्बे में, लोकल एक्सप्रेस लेके गोवा का। तो चलिए हम कहाँ से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं सब बताएंगे आप। हम अभी इंदौर से निकले हैं और इंदौर से खंडवा आए। खंडवा से रोज का डेली डायरेक्ट ट्रेन रहती है, इंदौर से हफ्ते में एक ही बार ट्रेन रहती है और खंडवा से रोज ही ट्रेन रहती है। तो हम खंडवा से जाने वाले हैं और खंडवा से कैसे आए तो मोहसिन भाई बताएंगे। तो हम निकले थे मऊ से, डायरेक्ट गाड़ी पकड़ी थी हमने, मऊ से सीधा आए हम लोग खंडवा। रोड बहुत ख़राब था हमारी, 12 बज गई है गाड़ी के अंदर, लेकिन जैसे तैसे हम पहुँच गए खंडवा जंक्शन। तो जो हमने टिकट लिया था यहाँ से ओनली 335 रुपीज़ का, काफ़ी सस्ता है लोकल टिकट यहाँ का। अब यहाँ से टिकट लेने के बाद हम आराम से बैठे हुए थे और ये देख सकते हैं हमारे गरीब भाइयों को कि सीट के लिए आगे आगे बैठे कि सीट मिलेगी और डब्बे। और ये ट्रेन में हमें बिल्कुल बेहतरीन जगह मिल चुकी है, क्लासिक एकदम एसी कोच के अंदर। आप देख सकते हैं कितने शानदार, बिल्कुल भाई भी बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं। ये देख सकते हैं सीधा डायरेक्ट पलटी मारी है हमने ऊपर की तरफ और यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह ज़रूर मिली है, लेकिन हम जो है पूरे डब्बे पे कब्जा करने का दम रखते हैं। देखना चाहिए आप, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है इतने से भी, क्योंकि बैठने की जगह तो होनी चाहिए। अब एक सीट पे दो सीट पे एक बैठे हुए समझ लो। अब हम इसको यहाँ से धीरे से कल्टी करेंगे और हमारी जगह बनाएंगे। तो आप देखिए पूरे डब्बे खाली करा देंगे हम धीरे से, देखो। तो ये हमारे जंगल का व्यू जो बुरहानपुर से अपना पड़ता है गोवा के लिए, देख सकते हैं सूखा हुआ जंगल। ये हमने आपको बोला था कि हम कब्जा करेंगे ट्रेन के ऊपर, तो हम सीधे आ गए थे स्लीपर में कब्जा करने के लिए। स्लीपर को भी हमने लोकल डब्बा बना दिया था, नाच गाना चालू करा दिया था। देखिए जो हम लोग थे यहाँ पर, जब स्लीपर में आए तो हमने केरला के नए नए दोस्त बनाए, तो उन्होंने पूरा इंजॉयमेंट कराया हमें। बोलते हैं कि नहीं भाई आपको एंजॉय तो करना पड़ेगा हमारे साथ, तो हमने दोस्ती करके जो एंजॉय करा ये देख सकते हैं। ये हमारा स्टॉप आ गया था, अब हम यहाँ से उतरे हैं मडगांव। और मडगांव से उतरने के बाद हम आपको बताते हैं कि यहाँ से हमें जाना है कलंकड़ बीच की तरफ, जो काफ़ी दूर है मडगांव से। लोकल बस पकड़, लोकल जगह का हम आपको पूरा बताएंगे कैसे जाना है। भीड़ देख सकते हो, कितनी भीड़ थी उतरने में, हमें हालत खराब हो गई। आ गए गोवा,
गांव के रेलवे स्टेशन पे। कंफ्यूज है भैया, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, अब जो होता अच्छे के लिए होता अच्छे को। स्टेशन से आप बाहर निकलेगा और आपको इस टाइप की जो बस मिलेगी, ये आपको छोड़ेगी मडगांव के जो मेन स्टेशन है जहाँ से बस वगैरह मिलती है कलंकट पंची के लिए, वहाँ छोड़ेगी। और ये बस में बैठे हैं जिसका प्राइस है ओनली 20 रुपीज़ पर टिकट। जो आप दूसरी बस देख रहे हैं ये मडगांव से आती है पंजी, वो जो इस बस का जो व्यू वगैरह है काफ़ी अच्छी बस है, एसी वगैरह ये पूरी सुविधा उपलब्ध है। और इस जो बस का अगर जो रेंट की बात करें तो इसका ओनली टिकट चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन, काफ़ी सस्ती टिकट है। और जो बस है काफ़ी अच्छी बस है, वो फुल एसी है भाई, मज़ा आ जाता है इसके अंदर बैठने के बाद। और दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिक बस है जो बिल्कुल भी साउंड नहीं करती। हम तो सोच रहे थे जब हम खंडवा बुरहानपुर के जो बस के अंदर आए, जो हमने एक्सपीरियंस लिया कटर पटर हमें इसके अंदर दिखेगा, लेकिन इसके अंदर साउंड की बात तो बहुत दूर, हमें हमारी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि हम आपको बता नहीं सकते। और जो इंजॉयमेंट था इस बस के अंदर बहुत अच्छा लगा, इतनी गर्मी से आने के बाद ठंडई का आनंद लिया हमने पूरा। ये बस पंजीम की ओर, मडगांव स्टेशन से पंजीम की ओर निकल चुके, और ये देख सकते हैं आप बाहर का व्यू, ऐसा लग रहा था कि हम कश्मीर की पहाड़ियों में रिटर्न आ चुके हैं। काफ़ी अच्छा व्यू था जो बाहर का व्यू था। तो ये देख सकते हैं आप इतना खूबसूरत, इतना बहुत ही प्यारा व्यू था। जो बस जो थी साउंड नहीं कर रही थी काफ़ी। तो इस समय हम आ चुके हैं पंजी के अंदर, काफ़ी खूबसूरत ये बीच से आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुपर व्यू आ रहा है। जो ये बीच है वो अभी बन रहा है, बीच कंप्लीट नहीं हुआ ये बीच भाई लोग, काफ़ी अच्छा बीच है। तो फ्रेंड्स, हम पंजी से निकल चुके हैं कलंकुट की ओर, और किस तरीके बस की टिकट की बात करें तो ओनली 430 रुपीज़ टिकट है, और जो कि ये बस हमें छोड़ेगी कलंकुट स्टेशन के ऊपर। और जुड़े रहिए हमारे चैनल MM इंदौरी के अंदर, नेक्स्ट ब्लॉग सुन।